तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ईमेल्स को लेकर। अब ईमेल्स से होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं उन लोगों के जो कि बिजनेस में यूज़ करते हैं या फिर इवन कुछ लोग अपने पर्सनल यूज़ भी करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, अटैचमेंट होती है कुछ साथ की या फिर जो भी उसमें मैसेज होते हैं या फिर उसके मेल आईडी जो होती है भेजने वाले की। तो ये एक्चुअली में टोटल जो डाटा होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो चाहते हैं कि टाइम टू टाइम उनको बैकअप मिलता रहे। अब ऐसा तो नहीं है हर किसी का एक स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे वो या फिर उसको डाउनलोड कर रखेंगे। तो यहाँ पर एक तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे आप कुछ ही स्टेप्स में और कुछ ही क्लिक्स में जो सारे आपके मेल्स हैं उनका आप बैकअप ले सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी आपके फायदे रहने वाला है। अगर आपको भी अपने मेल्स का बैकअप लेना है, उनका डाटा सेव रखना है, तो वीडियो को पूरा देखना। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल समझाऊंगा और आप अपने सारे मेल्स का जो डाटा है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आया लाइक करना, शेयर करना और साथ में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब। चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, जानते हैं कैसे आपको बैकअप लेना है अपने मेल्स का। अभी आ गए अपने मोबाइल पे, सेम प्रोसेस आप अपने डेस्कटॉप लैपटॉप जिस पे चाहे उस पे कर सकते हैं। मैं मोबाइल पे आपको करके दिखाने वाला हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग साइड में लगा दी है। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। तो अभी सेटिंग में चलते हैं और सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है नीचे स्क्रॉल करके गूगल में। गूगल में जाने के बाद आपको जाना है मैनेज योर अकाउंट पे, आप यहाँ आ जाना है। उसके बाद आपको जाना है डाटा एंड प्राइवेसी में, इधर की साइड यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे आपको लोकेट करना है डाउनलोड योर डाटा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, उसके बाद कोई भी ब्राउजर आप यूज़ कर सकते हैं। मैं क्रोम यूज़ करने वाला हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिंक हो सकते हैं takeouts.google.com करके इस पेज पर जो भी आपको दिख रहा है। इसके बाद क्या करना है, आपको जाना है इसको डीसिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको यहाँ पर ढूंढना होगा आपका जीमेल या फिर मेल्स। तो हमें यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है, तो नीचे करते रहेंगे तो यहाँ पर मिल गया है मुझे मेल, मैसेज एंड अटैचमेंट इन योर जीमेल अकाउंट इन एमबॉक्स फॉर्मेट यूजर सेटिंग फ्रॉम योर जीमेल अकाउंट इज जैसन फॉर्मेट। ये फॉर्मेट के बारे में कुछ बताया गया है, तो इसको आपको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद मल्टीपल फॉर्मेट ऑल मेल डाटा इंक्लूड, तो मल्टीपल फॉर्मेट में आपको ये जो फॉर्मेट होंगे ये दोनों मिलेंगे। और अगर आप यहाँ देखना चाहें ऑल मेल डाटा में, यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको क्या क्या बैकअप करना है। आपको बिन भी बैकअप करना है, इंक्लूड ऑल मैसेज इन मेल ये कर सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ अर्काइव मैसेज बैकअप करने हैं, या फिर आपका जो बिन है आपका वो बैकअप करना है, चैट आपको बैकअप करनी है, ड्राफ्ट में आपके जो कुछ मेल रखे हैं वो बैकअप करने हैं, या काफ़ी सारे चीज़ें जैसे कि इनबॉक्स, सेंड मैसेज या फिर ड्राफ्ट, स्पम, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद आपको सबसे नीचे जाना होगा, यहाँ पर करना होगा नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद आपको एक और विंडो ओपन होकर आएगी जहाँ लिख रहा होगा एक्सपोर्ट वंस, ओके। एक्सपोर्ट एवरी टू मंथ, ये आपका जो हर 6 महीने बाद या 1 साल बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट एवरी टू मंथ फॉर 1 ईयर, यानी कि 1 साल में हर दूसरे महीने में ये आपको एक्सपोर्टिंग देगा ऑटोमेटिकली। आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं या एक्सपोर्ट वंस को चूज़ कर सकते हैं। अभी मैं एक्सपोर्ट वंस को यहाँ पर चूज़ कर दे रहा हूँ। फाइल टाइप आपको क्या चाहिए, यहाँ पर जिप आप चूज़ कर सकते हैं, TGT चूज़ कर सकते हैं, मैं जिप यूज़ करना हो, साइज आप यूज़ कर सकते हैं, जिप का क्या रहना चाहिए। तो 2GB में मेरे अप्रोक्स मुझे लगता है कि मेरे मेल आ जाएंगे जो भी बैकअप हो जाएंगे। उसके बाद क्रिएट एक्सपोर्ट कर देना है। इसके बाद क्या होगा, कैंसिल एक्सपोर्ट आपको नहीं करना है, क्रिएट अनदर एक्सपोर्ट अगर कोई और एक्सपोर्ट बना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इसको यहीं छोड़ देना है। इसके बाद क्या होगा, आपको आना होगा अपने जीमेल में, जिसमें कि इसमें हो सकता है आपका 1 घंटा 2 घंटा जो टाइम है वो लग जाए। तो इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का मेल यहाँ पर लिखे दिखेगा, कुछ इस तरीके का जो मेल है आपको देखने के मिलेगा उस टाइम बाद। उसमें क्या करना होगा, आपको डाउनलोड योर फाइल पर क्लिक करना होगा और वहाँ सर आपकी जिप फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी, और डाउनलोड के बाद उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, उसमें फोल्डर ओपन होकर आ जाएंगे और जो मेल है आपके वो सभी का बैकअप आपको मिल जाएगा सिर्फ कुछ ही क्लिकों में। और आपने जो इंपॉर्टेंट मेल्स आईडी हैं या फिर मेल हैं या फिर जो भेजे हुए मेल हैं, ड्राफ्ट वाले मेल हैं, उन सबको आप सेफ रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे मेल्स काफ़ी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमें उनको बैकअप लेकर रखना चाहिए, तो काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है। आपको कैसे अपने मेल जो है यहाँ पर बैकअप करके रखने हैं, तो अब जल्दी से मुझे कमेंट करता है वीडियो कैसा लगा, साथ में आप इस ट्रिक को यूज़ करेंगे ना इस बारे में भी। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा प्रोसेस जिसको आपको फॉलो करना है, और इसके बाद अपने जो भी मेल्स हैं उनका यहाँ पर आप बैकअप ले पाएंगे और उसको सेव कर पाएंगे। तो अब जल्दी से वीडियो करना लाइक, शेयर करना और कमेंट कर बताना वीडियो कैसा लगा। और यार साथ में चैनल पर नए तो चैनल का सब्सक्राइब, क्योंकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हमेशा मिलते रहते हैं। मैं मिलता आने वाली एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे। I need
you to listen, I need you to hear, and don't show any fear.